करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान आया है, किसानों को धान के अंतर की राशि जल्द जारी की जाएगी। बड़ा बयान, लगातार किसानों के पक्ष में एक बार फिर फैसला है सरकार का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, किसानों को धान की अंतर की राशि जल्द ही दी जाएगी। तो एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़ सरकार का, विष्णुदेव साय सरकार का एक बड़ा ऐलान इसे कहा जा सकता है। तो किसानों के लिए जो अंतर की राशि है, धान के अंतर की राशि, उसे जल्द जारी किया जाएगा, यह कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। लगातार फैसले, बड़े फैसले, बड़ा बयान यहां पर किसानों के पक्ष में नजर आ रहा है। राजेश, फिलहाल अंतर की राशि देने की बात कही है यहां पर मुख्यमंत्री ने, वो किस तरीके से उसको प्रोसेस करेंगे और क्या कहा है मुख्यमंत्री ने? देखिए, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साय मंत्रिमंडल के बहुत सारे सदस्य रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के रायपुर संभाग के कार्यकर्ताओं का जो अभिनंदन समारोह था उसमें शामिल हुए और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा है कि मोदी जी की गारंटी में जितने भी वादे किए गए थे वो सब वादे पूरे करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए हमने एक बड़ा फैसला लिया है कि 21 क्विंटल जो चावल एक एकड़ के हिसाब से लेंगे उसका फैसला किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कमिटमेंट किया है कि किसान धैर्य बनाए रखें और किसी के बहकावे में मत आए, विचलित ना हो, और हमने जो उनसे वादा किया था कि उनकी अंतर की राशि जो है वो हम देंगे, वो जल्द ही उनको दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि महतारी वंदन योजना के तहत जो महिलाओं से उन्होंने कमिटमेंट किया था उसकी राशि भी जल्द से जल्द मिल जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी वादे हमने किए हैं वो तमाम वादे पूरे कर जाएंगे। और आज जब अभिनंदन कार्यक्रम होता, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कार्यक्रम, उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ महीने पहले तक जब माथुर जी प्रदेश के प्रभारी बन आए थे तो उस समय तक उनके सहित बहुत सारे लोगों को नहीं लगता था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मगर जो प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन, मनसुख मांडविया और कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके विश्वास की वजह से छत्तीसगढ़ में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, और केवल सरकार ही नहीं बनी है, सबसे ज्यादा जो बहुमत हासिल करके आई है और 46% वोट हासिल करके आई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले जो सरकार बनी थी वो नहीं कर पाया था। तो ये सब उन्होंने कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों की जो अंतर की राशि वो भी दी जाएगी, महतारी वंदन का जो योजना की घोषणा की है वो भी की जाएगी, और तमाम जितने भी वादे किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से किए हैं वो भी किए जाएंगे, घोटालों और भ्रष्टाचारों पे जो कार्रवाई करने की बात की थी वो भी वादा पूरा किया जाएगा, धीरे धीरे सब वादे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो गारंटी, सब चीज पूरा होने की गारंटी भी। तो इस तरह की बात उन्होंने कही, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि कार्यकर्ताओं के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया, सभी मंत्री जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे, वो सभी मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, तमाम जितने प्रदेश पदाधिकारी हैं वो भी उस मंच पर खड़े हुए और झुककर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, आभार व्यक्त किया, और उन्होंने कहा कि ये जो है आपकी मेहनत के कारण, आपके परिश्रम के कारण, और जो वरिष्ठ नेता थे, प्रभारी हैं थे, ओम माथुर, नितिन नवीन, मनसुख मांडविया, अजय जामवाल, शिव प्रकाश जी, तमाम जो बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, उनके विश्वास के कारण ये सरकार यहाँ पर बनी, और उसके लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया, और साथ ही साथ कहा कि मोदी की गारंटी में जितने भी वादे किए गए थे वो जल्दी से जल्द पूरा होंगे, धैर्य रखने की बात उन्होंने बिल्कुल 100 दिन में मोदी की गारंटी पूरा करना। राजेश, और जिस तरीके से सरकार आगे बढ़े, जिस तरीके से घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, एक एक करके योजनाओं को जिस तरीके से अमलीजामा पहनाया जा रहा है, लग रहा है कि बहुत तेजी से अपने किए वादे को पूरा करने के लिए सरकार अग्रसर है। इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजेश आपका। तो आपको बता दें कि मोदी की गारंटी को लेकर जिस तरीके से सरकार ने बड़ा ऐलान किया था, एक बार फिर यहां पर विष्णुदेव साय का बड़ा बयान आया है, अंतर की राशि, धान के अंतर की राशि किसानों को जल्द ही जारी की जाएगी, ये उन्होंने कहा है। ये सारी बातों को वो उन्होंने मंच से ये भी कहा कि ये सारी जो घोषणाएं हैं पहले से तय हैं, मोदी की गारंटी के तहत ये तमाम काम किए जा रहे हैं, 100 दिन का लक्ष्य है, इस 100 दिन के लक्ष्य के भीतर इसे पूरा करना है। किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है, सरकार आदेश कर चुकी है, और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी देने वाले हैं। अभी MSP किसानों के खाते में जा रहा है, लेकिन जो अंतर की राशि है वो 900 सवा 900 ऐसा प्रति क्विंटल में अंतर की राशि है, उसको एक मुश्त हमारी सरकार किसानों को देने वाली है।